लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लांबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाण और भाइयों, फिलहाल हम खड़े हैं सैनीवास धाम पे और यहाँ पर देख रहे हैं कि लंबी लाइन लगी हुई है मरीजों की, झाड़ा लगवाने वालों की। एक मेरे पास भाई खड़े हैं, भाई साहब राम राम। राम राम। नजदीक से दिखाएं, कहाँ से हैं आप? रुपाना से। रुपाना से। नाम क्या है आपका? सुनील। फोन नंबर है आपका? हाँ जी, बताइए। 99924-24725। 99924-24725। अच्छा जी, तो क्या तकलीफ थी आपको? मेरे जी लीवर में दिक्कत थी। लीवर में दिक्कत थी। कितनी बार आ चुके हैं आप यहाँ? मैं तीसरी बार जी। तीसरी बार आए हैं जी। तो कितना आराम है? पूरा आराम है जी, बिल्कुल ठीक हो गया लीवर। बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल सही हो गया। बिल्कुल सही है जी। पक्की कह रहे हैं क्या? हाँ जी। अच्छा सही, वास्तव में बहुत बढ़िया। अच्छा, और देखते हैं। हाँ जी, आप पहली बार आए हैं? दूसरी बार आए हैं? कहाँ से हैं? हिसार से। क्या नाम है आपका? शेर सिंह। शेर सिंह, क्या तकलीफ थी आपको? मेरे दिल की नसें बंद है। दिल की नसें बंद है तो भाई साइड दे। दिल की नसें बंद है तो कुछ आराम है? अभी तो दूसरी बार आए। दूसरी बार आए हो, कोई फर्क नहीं? अभी तो चेक कराएंगे जी, पता लग गया। चेक कराओगे अस्पताल में, जब पता लगेगा। दर्द में कोई फर्क? दर्द में तो अभी आराम है। आराम है। अच्छा, चलो चेक कराओ। आइए देखते हैं। आप कहाँ से हैं जी? हम हिसार से। अच्छा, इनके साथ हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा, आप कहाँ से हैं? बहल से। बहल से पहली बार आए हैं? न, दूसरी बार। दूसरी बार, क्या तकलीफ है आपको? मैं तो पैर का दर्द हुआ। पैर का? तो पैर के दूसरी बार आए हैं तो कुछ आराम है आपको? लग रहा है कोई आराम तो जी होएगा जी? इसी बार होएगा। वह नहीं है, अभी नहीं हुआ है, लगे रहो। ठीक है, बहुत अच्छा। चलो देखते हैं, और बहुत सी लंबी लाइन लगी हुई है। हम इन सभी से पूछेंगे कि वास्तव में क्या ठीक होते हैं या वैसे ही लोग मतलब प्रोपगंडा फैला रखे हैं। सभी बातें आपको सच्चाई बताएंगे। आज राम राम भाई साहब। राम राम। कहाँ से हो? आदमपुर से। आदमपुर से पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार। पहली बार कैसे आए? पहली बार कहाँ, किसने बताया? ये आपकी न्यूज पर ही देखा था, नजला नजला ठीक है। अच्छा, मेरे लाली न्यूज पर देखा था। तो फिर नाम क्या आपका? अमर सिंह। अमर सिंह, तो लगता है आपको यहाँ ठीक होएंगे? देखो पब्लिक आई है। पहला ही? अच्छा, आप कितनी बार आ चुके हैं? दूसरी बार आए। अच्छा, कहाँ से हैं आप? जुप्पा खुरुद से। जुप्पा खुरुद से। नाम क्या है जी? सरोज। सरोज, क्या तकलीफ आपको? जी मेरा एलर्जी है छिकों। एलर्जी? हाँ। एलर्जी के किस टाइप की? छिकों वाली। छिकों वाली। हाँ। तो दूसरी बार आई हैं आप? कुछ आराम है? हाँ जी, बिल्कुल। सच बताना, झूठ नहीं कहना, कैसे सोचते हो? ना जी, लोग आपको देख के आ रहे हैं। ना जी, आराम है। आराम है। नंबर क्या है आपका? फोन नंबर पता है? चलो रहने दो। आप कहाँ से हैं? हम बख्तारपुरा से। बख्तारपुरा से। कितनी बार आ चुके? मैं तीसरी बार आई। तीसरी बार, क्या तकलीफ थी? क्या तकलीफ थी? घुमड़ी की है। अच्छा जी, तो कुछ आराम है? आराम। कितना आराम है? बहुत जी। है? बहुत गणा है जी। बहुत गणा आराम है, वास्तव में सच्ची बात है? सच्ची है जी। दवाई बंद कर दी? दवाई नहीं लेते? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। आप कहाँ से हैं जी? बख्तारपुरा से। बख्तारपुरा से। कितनी बार? पहली बार आई है? ना, तो तीसरी बार। इधर से भाई बंद कर देने। इसने पहलवान पागल हूँ मैं। कहाँ से हैं? बख्तारपुरा से। बख्तारपुरा। डिलीट कर दे, डिलीट कर दे प्लीज। क्या तकलीफ थी आपको? छाती में दर्द। छाती में दर्द। तीसरी बार आई है, सच बताना कुछ आराम है क्या? आराम है, दुआई पानी बंद कर दी। आराम है। आराम है। हाँ। कहते दुआई भी बंद कर दे रहे? आराम। नहीं, आराम है। पक्का विश्वास? हाँ, है यार, विश्वास है जी। अच्छा अच्छा, चलो आगे आ जाओ, आपका नंबर आ रहा है। हाँ। तो ये बच्चा? अच्छा, इसको भी तकलीफ थी कोई? नहीं ऐसे। अच्छा, तो तीसरी बार में आप ठीक हैं? हाँ। फोन नंबर है आपका? आपके घर का किसी का नंबर बताइए। बताओ। 88-130-90-260। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। लोग आपसे पूछेंगे, कोई बहन पूछे तो बता देना भाई ठीक हूँ या नहीं हुई ठीक। ठीक है, राम राम ताई। कहाँ से हो? मैं तो अस्सी से आई जी। अस्सी आज ही आई है के? पहली बार। ठीक है, झाड़ा लुआ क्या तकलीफ से? तकलीफ है जी, मेरा सारा पग में दर्द है। पग में दर्द, कालजम दर्द है। अच्छा अच्छा, आप कहाँ से हैं जी? अस्सी से हैं जी। अस्सी से, साथ ही हैं के? गठजोड़ जाता है ले। ठीक है, गठजोड़ ही जाते लेके आ रहे हैं भाई। राम राम भाई, कहाँ से हो? सिडाणते। क्या तकलीफ से? तकलीफ तो क्या होती है बाबा का नाम पर? बिना तकलीफ झाड़ा लुआन आ गया बाबा के नाम से, क्या की बात हुई कि मैं तो सह तकलीफ है। बिना तकलीफ तो सह तो हट जाए, आप कुपन और किसी तकलीफ बढ़न दे दे। तकलीफ से जीता है। चलो अच्छी बात है, आइए और पूछते हैं। और बहुत सी पब्लिक देखी भाई, कदम कदम बच्ची।
ये और बहुत से लोग बैठे हैं, आइए इनसे बातें करते हैं। नमस्कार जी, कहाँ से हो जी? चरखी दादरी से। चरखी दादरी से पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं। क्या तकलीफ है आपको? बीपी की। इनको बीपी की तकलीफ है। अच्छा, तो क्या मतलब किसने बताया आपको, कैसे आए भाई, पता चला कैसे? रिश्तेदार अच्छी आई थी जी हमारी। अच्छा, उनके था बीपी 286, शुगर थी 286। अच्छा, वो घट के 100 कम हो गई। अच्छा, तो 186 होगी। 186 होगी सिर्फ, दो लगाने से नॉर्मल हो गई। चलो सरदा है, हो जाएंगे ठीक। आइए और पूछते हैं, देखते हैं, पब्लिक बहुत ज्यादा है और सभी से पूछेंगे। भाई राम राम। भाई राम राम। गढ़ सो गेंडावास से। पहली बार आई एक दूसरे? पहली बार आई है। क्या तकलीफ से? बच्चा गयो पैरा कुंचाले। हाँ, ना बोले यो। अब ना बोल रहे। अच्छा चल, पहली बार आये, धोख मार ली। हाँ। अच्छा, झाड़ा गलवा लिया? झाड़ा कौन गलवाया, बारी नहीं। धोख मार रहे, बारी अगली बार आ जाएगी, कोई बात को नहीं। और कोई दूसरी तीसरी बार आया हो यहाँ? आ जा, इन्ना आ जा। ये देखिए भीड़ इतनी ज्यादा है, गाड़ियाँ बहुत ज्यादा, लाइन लगी हुई है गाड़ियों की, और लोगों को पैर रखने की जगह नहीं मिल पा रही है। आइए यहाँ देखिए, ऐसे डेरा डाला जाता है। यहाँ न होटल है 5 स्टार, न कोई धर्मशाला है। ये और ये बैठे हैं। राम राम जी। राम राम जी, आपके सारे चैनल वाले दर्शकान जी। बहुत बढ़िया जी। कहाँ से आप? सुल्तानपुर गांव तहसील आसी के पास पड़ता है ये गांव। अच्छा जी, अच्छा, डिस्ट्रिक्ट सार है। अच्छा जी, नाम क्या आपका? ओम प्रकाश जी। अच्छा, क्या तकलीफ थी आपको? मेरे लग से नीचे रीढ़ चल यार दी। अच्छा, में दुख तक। अच्छा जी, यानी कमर से नीचे पूरे पैर में रीढ़ चल कर दी जी। तो फिर ईब बहुत आराम है जी, 2 किलोमीटर घूम के आता हूँ। अपना नंबर बताइए मेरे दर्शकों को। 94-161-35-755। 94-161-35-755। भाई बात कर लेना एडवोकेट साहब से, आपको सारी बातें बता देंगे ये कैसे ठीक हुए। तीसरी बार आए हैं आप? दूसरी बार में इतना आराम है? यस। बहुत बढ़िया, तो बहुत आत्मविश्वास है ये ठीक हो जाएंगे आप। बिल्कुल हो गया ठीक। हाँ हाँ, अच्छा आप इधर आइए, कैमरामैन से कहूँगा इधर आए, मैं इनसे और पूछता हूँ। राम राम जी। राम राम जी। कहाँ से हैं? दौलतपुर जी। कितनी बार आ चुके? पहली बार। आप जी? दूसरी बार आए। कहाँ से हैं? सीसवाड़ गांव। सीसवाड़ से। हाँ। क्या तकलीफ थी आपको? तकलीफ है मेरे पिताजी के। कहाँ है पिताजी आपके? पिताजी है घर पे। अच्छा। मतलब इमरजेंसी हालत थी जब ले आया तो पिछले मंगलवार को झाड़ा लग गया तो 25% आराम है। अच्छा, पहले अच्छा। खड़ा ही नहीं होता, सुते रहे तो। अच्छा। एब खड़े हो जे हाथ रख के चाल ले। अच्छा। खेतम डाणी आधी दूर, आधा किला चाल ले सड़क। ये तकलीफ लकवा था कैसे? कोई लकवा को नहीं, नॉर्मल भाई कड़ दर्द होयो, माची वर्ष हो गया, 6 महीने सुते रहे, पैर उड़े गया। अच्छा, बाद में की हिम्मत करी को नहीं, दारू को एडिट हो तो कौन करी हिम्मत, करता फिर श्रीनिवास को बेरो पड़ो। एक इमरजेंसी में झाड़ू लगवाया, थोड़ा घणो कोई हो फर्क। बैंक बाद में टोकन लियो, 3-4 दिन बैठे रहा, जल लियो, फिर आराम हो 25%। ये फिर दोबारा दूसरे झाड़े का लेने के लिए आ रहे हैं। कल से लाइन में लगाऊं और सोमवार को मिलेगा। तो इसका मतलब जो इमरजेंसी वैसे सिफारिश से लगवाते हैं झाड़ा तो उसका आराम नहीं होता? मेरा मतलब यही है भाई, मेरे को लगता है आराम नहीं होता। हाँ। तो मेरे पापा का नहीं हुआ, मैं गाड़ी लेके यहाँ पे मंदिर और टोकन से लिया तो आराम होगा। आराम 25%। बिल्कुल सही बात है, सिफारिश किसी भी चीज की होती है वो गलत होती है, क्योंकि भक्त लोग लाइन में खड़े रहते हैं, 4-4 दिन से पड़े रहते हैं, और मेरे जैसे सुपारसी आके एकदम झाड़ा लगवा के चला तो आत्मा नहीं मानती उसकी। हाँ, बहुत अच्छा। ईव हम मंगलवार के झाड़े के लिए यहाँ पे लाइन में बैठे। अच्छा, मंगलवार के लिए बैठे हैं। तो शनिवार, संडे, सोमवार, वाह जी वाह। तो देखिए लोग 5-5 दिन से बैठे हैं यहाँ पर। आइए और बातें करते हैं। कहाँ से हैं जी आप? नरवासी गांव से जी। पहली बार आए हैं। अच्छा, बहुत अच्छा जी, ठीक है, आइए आइए। इधर और मेरे मित्र बैठे हैं, कुछ इनसे पूछते हैं कहाँ से हैं ये। राम राम भाई। राम राम भाई साहब। कहाँ से हो? कई बार आगे आ लिया आप? बहल से हूँ मैं। बहल से? हाँ, गोविंद। तो यहाँ कैसे आए आप? यहाँ तो झाड़ा लगवाने के लिए आए थे ओम बन्ना जी के यहाँ। अच्छा, झाड़ा लगवाने के लिए आए थे, कितनी बार आ चुके? मैं सर ये लड़के को लेके दूसरी बार आया हूँ। आपको क्या तकलीफ थी? मेरे को ब्लड कैंसर थी सर। ब्लड कैंसर थी? हाँ जी। तो ब्लड कैंसर थी तो यहाँ ठीक होगी वो? हाँ, लगभग आराम है।
लगभग कितना 10% 50% 40% लगभग क्या क्या मतलब 60% आराम है 60% आराम है। चेक करवाया था डॉक्टर से? हाँ बिल्कुल करवाता हूँ, हर बिल्कुल महीने सच्ची बताना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 60% आराम है। हाँ आराम है। अच्छा आर्यन को क्या तकलीफ है? ये थोड़ा बोलता अकलाता है। अकलाता है, पहली बार ले आए? ये पहली बार लेके आए। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। बंद कर ले भाई तेरा बॉस। तो आप कहाँ से हैं जी? मैं कागडोली सरदारा से। कितनी बार आ चुकी है? पहली बार आया। पहली बार, क्या तकलीफ आपको? मेरे सांस की तकलीफ है, नजला है मेरे। अच्छा तो झाड़ा लगवा लिया? नहीं लगवाया, नहीं अभी। अच्छा, नंबर अच्छा। नहीं आया। और अब हमारे पास या बैठे हैं कुछ और, इनसे पूछते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? नेकराम शर्मा। नेकराम शर्मा, कहाँ से हैं आप? मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ जी, रोहडू से आया हूँ, शिमला जिला से। शिमला से? हाँ जी। शिमला के पास से? शिमला से 150 किलोमीटर ऊपर से, रोहडू। अच्छा, ऊपर जाके? हाँ जी हाँ जी। बहुत अच्छा, शिमला के से भी ऊपर जाके? जी 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 जी। तो क्या तकलीफ थी आपको? तकलीफ मुझे तो कई तकलीफ है जी, वैसे सांस की भी है, पेट में भी रहती है, घुटनों में दर्द है। अच्छा जी। तो कल मैं पहुंचा, तो कल पहुंच के फिर यहाँ पे गुरुजी से मिला। इतनी दूर क्या कोई रिश्तेदारी पड़ती है? कैसे आए? रिश्तेदारी तो कुछ नहीं है सर, मन में क्या कैसे आया? यूट्यूब से देखा, तो यूट्यूब से देख के फिर मुझे कुछ मन में श्रद्धा जाग गई। अब वो प्रसार क्या है, वो लोक प्रसार, लोक प्रसार वाला मेरा ही चैनल है वो। हाँ वो वो देखा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है सर। तो आपने झाड़ा लगवा लिया? एक झाड़ा लगा लिया जी कल। कुछ मानो एक कल भी, परसेंट कुछ फर्क महसूस हुआ? कल भी लगाया, आज सुबह भी लगाया, तो कुछ फर्क महसूस हुआ? हाँ जी फर्क महसूस है जी, है फर्क महसूस। तो आप यहाँ रुकेंगे? और हाँ और रुकूंगा, कह दिया आज मुझे, कहते अब एक दो दिन और रुको। यानी कि एक किस्म से एडमिट कर लिया गया आपको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी जी, ठीक है। तो जब मरीज दाखिल हो जाता है और डॉक्टर गारंटी ले लेता है तो ठीक होने की गारंटी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा, आप कहाँ से? मैं जी रोहतक से, लाखन माजरा गाँव। अच्छा लाखन माजरा से। हाँ जी। क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र जी। क्या तकलीफ है? मेरा जी घुटने में भी दर्द है और थोड़ा सांस की भी है। पहली बार आए हो? हाँ जी पहली बार। टोकन अभी 3352 नंबर है। अच्छा अच्छा, आ जाएगा नंबर, कोई बात नहीं। हाँ भाई ताई, राम राम सारे ने। उरन आ जा भाई, थोड़ा उड़ लिया तो और बात कर लिया। हाँ हाँ, उरन मुँह करो तुम थोड़ी सी। उरन है, उरन आ जा भाई। हाँ जी हाँ, कौन सा काम ताई? गरुआ ताई है भाई। गरुआ ताई है, क्यों आई पल्ली नहीं बताई? पैसा भी गई, मतलब धोरा गोड्डा तो लंगड़ा हो रहा था। गोड्डा तो लंगड़ा हो रहा था। गोड्डा तो कौन सा लगा? हां कितनी साल की उम्र होगी भाई? साल की तो 350 की होगी। फिर तो थोड़ी है भाई, फिर तो गोड्डे तेरे ऊ नकली लिकड़े भाई। क्या बताऊं, तो नकली लिकड़े भगवान ने बढ़िया गोड्डे कौन दिए? सारे में रोग तड़के उठे। अच्छा कैमरा लिया रे? मैं तो आई हूं पहला बार जी, आए दूसरी भाई। ये दूसरी तो पहली बार आई। ताई तेरे कौन सा काम है? बोए गरवाए। बोए गरवा? अच्छा, के नाम से? बेदकोर। बेदकोर। हां तेरे भी गोड्डे में तकलीफ थी? मेरा तो 8 ले गया, 8 सारा रीढ़ लग गया, झूठ कौन बोलता है। अच्छा अच्छा। हां दूसरी बार आई है? हां दूसरी बार आई है। सही कि मैं आ रहा? हां सही। सच्ची बताइए? सच्ची बताऊंगी। कल ने होता पड़ोसी गांव की? ना पड़ोसी गांव तो क्या हुआ था भाई, वो तो अरे अरे फर्क पड़ा उचित बने इन बार तो ऐसे इनके दाम पर बैठे तो किसी ने तो इनका नहीं बोलो होगे। सच्ची बताइए, लोग बहुत देखे हैं, देख के आओगे। हां और भाई आपका कौन सा काम से? इधर आ जा भाई। असावरी। असावरी। असावरी कैबरा लिए? हम दोबारा दोबारा आए हो? 9 दिन हो गया। 9 दिन हो गए? अच्छा तो फिर पूरा काम डाट रखे और तो छोरियां का डट जा फिर आ जा। अच्छा अच्छा, तकलीफ के है आपको? गोड्डे तो कौन चल रहे, आँख से ना दो बार बनवा लिए, इसने दिखा कौन। अच्छा। गोड्डे भी क्या करें बेचारे, बिना मतलब का काम ली जा वहाँ पींद। अच्छा ये कोई आराम से दो जड़े थे? हाँ क्यों से एक लग गया है? दूसरा यू लग गया? एक लग गया? मन में सोच ली सह आराम को है कोनी? सच्ची बताइए ना? आराम से बैठी ना सह कोनी? पूरा आराम कोनी? झूठ बोल रहे? चलूंगी जी बेरा पे बैठी तो ठीक लगूंगी। अच्छा चली कौन से? तो 9 दिन थे मोटरसाइकिल पाजा करने जाके रस्तेदारी बैठी रहूं। तो आज इसने चलाओ भाई, बुढ़ी ने आड़े 15-10 किलोमीटर चला के देखो। हाँ मैं ठीक है, धुप्पत आई पानी ले जाओ, खाना खुना खा के उठ जाई। ठीक है आइए, आपको और मिलाते हैं लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद, आ जाओ आ जाओ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी कहाँ से हो? इधर आइए भाई, कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा इधर आ जा, श्यामी आ जा, श्यामी आ जा, और बाणा पूछेंगे। हाँ फौजियों का है पता है, नहीं बोले जाता वहाँ यही तो पता है। अच्छा सच है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कह सकते हैं हम लोगों के ठीक होते हैं यहाँ पर, बिल्कुल कह सकते हैं। तो भाई ये जनता कह रही है कि ठीक होते हैं, हम अपने पास से नहीं कह रहे, नहीं हमको गारंटी लेते हैं, लेकिन ये जनता कह रही है, सभी जनता कह रही तो झूठ नहीं होगा, ये तो आप भी जानते हैं। जनता के द्वारा जनता के लिए काम करते हैं हम, और सच्चाई आप लोगों के सामने रखते हैं, चाहे कोई धाम हो, चाहे कोई फंड हो,
चाहे कोई राम रहीम हो, चाहे कोई आसाराम हो, चाहे सत्यनारायण जी हो, कोई भी हो, हम सच्चाई दिखाते हैं, हम किसी का पक्ष नहीं लेते। जनता कह रही है ठीक हो रहे हैं, वही बात आपको कह रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, तो आप भी आइए, आजमाइए, देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।